ओम शांति। 19 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन रहते 6 बजे 4:30 बजे मुरली मंथन करते। इस मुरली मंथन से हम सभी को बहुत बहुत बातें एक दूसरे के सहयोग से समझने में सहज हो जाती। आप इस मुरली को सुनते हुए भी इसे महसूस करते होंगे। तो आप सभी गूगल मीट पर या यूट्यूब पर लाइव जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, जिसके लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से लेकर जुड़ सकते हैं। और यदि आपको नहीं मिल रहा है तो नीचे एक लाइन चल रही है, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप लिख कर भेज देंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। और यदि आप बाद में देख रहे हैं तो भी आप अपने कोई भी प्रश्न को, कोई भी विचार को, कोई भी सुझाव को भेज सकते हैं, जो हम सब के लिए लाभकारी हो सकता है। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने, परमपिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हम सारे संसार की आत्माओं को इस दुख की दुनिया से जहां हाहाकार मचा हुआ है नई दुनिया में जय जयकार जहां होता है वहां ले चलने के लिए। पुरानी दुनिया में है हाहाकार और नई दुनिया में है जय जयकार। पुरानी दुनिया में दुख ही दुख होते हैं और नई दुनिया में सुख ही सुख होते। नई दुनिया स्वर्ग को और पुरानी दुनिया नरक को कहा जाता है। तो परमात्मा आए हैं सारे संसार की आत्माओं को नरक से स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, कांटे से फूल बनाने के लिए, हाय हाय करने वाले को जय जयकार करने के लिए। प्रश्न, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, सौकार नहीं ले पाते, ऐसा कौन सा नियम है? हां जी, बाबा का ज्ञान नियम। हमें यह बताना है कि ऐसा कौन सा नियम है जिस नियम के आधार से गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, सौकार नहीं ले पाते, क्यों? कौन बताएंगे? सौकार समझते ना भाई जी, कि मेरा स्वामी यही है, मेरे पास हर चीज संपन्न है, हम काहे के लिए जाए उसमें। हाँ, गरीब तो जो है पहले से थोड़ा बहुत दुखी रहता है, तब वो सोचता है कि हमें कहीं जो है सुख मिले। सौकार जो है सोचता है मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कोई कमी है ही नहीं, मुझे क्या जरूरत है मंदिर में जाने की, मस्जिद में जाने की, भगवान को ढूंढने की, भगवान से पढ़ने की, क्या जरूरत है मुझे पढ़ने की। परंतु ये नियम तो नहीं हुआ, ये एक कारण हुआ कि सौकार क्यों नहीं ले पाते,
ये कारण तो है, परंतु हमें चाहिए ईश्वरीय नियम। कौन बताएगा नियम? हाँ जी, उसको साहूकार बना देते हैं। कौन? मुट्ठी भर देके साहूकार बना देते हैं। कौन बना देता है? बाबा साहूकार बना देता है। मतलब गरीब को मुट्ठी देगा, चाहे वो अमीर दे तो चाहे गरीब दे, उसको मुट्ठी देगा बाबा। ये फर्क भेद करता है? नहीं। मतलब गरीबों को क्यों मिलता है, अमीरों को क्यों नहीं मिलता? प्रश्न तो ये है। गरीब अपना सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, उनके पास होता ही जितना है वो अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं बाबा का सब कुछ, लेकिन अमीर नहीं कर पाते। गरीब जो है तन मन धन थोड़ा सा तो होता है, वो थोड़ा सा तुरंत बाबा को दे देते हैं। अमीर सोचता है इतनी मेहनत करके इतना कमाया है, कल को कोई भुखमरी हो गई, कल को कोई बीमारी हो गई तो मेरा पैसा काम आएगा। ये भी एक कारण है भाई। जो सबसे ज्यादा पतित बनते हैं ना, वही आके वही स्वर्ग में आते हैं। जो पतित बनते हैं वही स्वर्ग में आते हैं। तो पतित तो बनेंगे और स्वर्ग में आने के लायक भी बनेंगे, पर तो ये कारण है। नियम चाहिए, ईश्वरीय नियम। हाँ जी, बाबा ने एक मुरली में बताया हुआ है कि जो यहाँ गरीब है वो सब युग में साहूकार होगा, जो वहाँ साहूकार होगा वो यहाँ गरीब होगा। हाँ, ये भी बात बताई हुई है बाबा ने कि यहाँ जो गरीब होगा वहाँ जाकर साहूकार बन जाएगा, और जो यहाँ साहूकार है वो वहाँ गरीब बन जाएगा। परंतु ये भी भाई जी कारण है जी, नहीं पैसे से तो हाँ, परंतु ये भी कारण है भाई जी। ईश्वरीय नियम ढूंढो, ईश्वरीय नियम बताओ, जो ईश्वर ने नियम बनाया है कि गरीब, कौन सा नियम ईश्वरीय है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, सरकार नहीं ले पाते, वो नियम भी ईश्वर का बनाया हुआ है। ये हम दुनिया वाले बता रहे बातें। ओम शांति। बाबा का मतलब है संकल्पों से गरीब, व्यर्थ के संकल्पों से गरीब जो होंगे वही सच्चे साहूकार। देह बांध के जो संकल्प है उनसे जो गरीब होंगे, देह बांध के तो संकल्प सारे है ही गरीब, वो तो सारे विकारी होंगे। आत्मा समझ करके हम संकल्प करेंगे तो वो हमारे होंगे अकर्म, और देहभान वाले होंगे विकारी। तो देहभान वाले जिसके पास संकल्प होंगे वो तो नरक का मालिक ही है, वो तो स्वर्ग के बारे में सोच भी नहीं सकता। ईश्वरीय नियम है पूरा बैगर बनो, पूरा बैगर बनो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सारा का सारा बाप को दे दो, उसको भूल जाओ। वास्तव में बाप को देने का मतलब, बाप को देने का मतलब है कि उसको भूल जाओ। बाबा ने हमारा ना तो तन लेना है, ना मन लेना है, ना धन लेना है। बाबा कहता है इस तन मन धन को, जिसको तुम दुनिया में मेरा मेरा कहते हो, उसको भूल जाओ। वही तुम्हारे नरक का रास्ता है, वही तुम्हें नरक में ले जाएगा। चाहे कोई दुनिया में कितने पैसे वाला हो, चाहे दुनिया में कितना ही उसके पास पैसे का अभाव हो, परंतु जो इस दुनिया में आकर बाबा के पास आकर बाबा की श्रीमत पर चलकर पूरा का पूरा बैगर बन जाएगा, जो समझ लेगा इस संसार में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, मेरा तो सिर्फ एक शिव बाबा है, वही जो है बैगर टू प्रिंस बनेगा। यहां की चीजों से जो अपने आप को अमीर बनाएगा, यहां की स्थूल दुनिया से जो अपने आप को अमीर समझेगा, वो वहां पद ऊंच नहीं पा सकता। यहाँ की जो कुछ भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, जिन चीजों को हम प्रयोग कर रहे हैं उनमें मेरा शब्द नहीं हो, यदि मेरा शब्द होगा तो हम अमीर नहीं बन सकते।
सतयुग में सबका बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ की बात पहले है। जहां जब तक इस संसार में जब तक कोई बैगर नहीं बनेगा, और बैगर हम किसे कहते हैं, जिसके पास अपना कहने के लिए कुछ भी ना हो, इस संसार की किसी भी चीज को जरा भी अपना ना समझता हो, अपने आप को एक्टर समझकर सारे संसार की चीजों को प्रयोग करता हो, जैसे एक्टर डायरेक्टर के अंदर किसी कंपनी में एक्टिंग करने जाता है, वो किसी भी चीज को अपना नहीं समझता, उसको कितनी घटिया ड्रेस पहनाई जाए, कितनी बढ़िया ड्रेस पहनाई जाए, कितने बढ़िया साधन दिए जाए, और उससे कोई मतलब नहीं। और कहता है इस गाड़ी को आग लगा दे, एक्टर उस गाड़ी को आग लगा देगा, वो कितनी भी बढ़िया गाड़ी हो, उसे कोई जरा भी दुख की फीलिंग नहीं आएगी। मतलब समझना है अच्छी तरह से कि वो बिल्कुल भी मेरा नहीं समझता, वो समझता मैंने एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टिंग के पैसे मिलने हैं, चाहे जो मर्जी कहे मैं वो कर दूंगा। ऐसे ही इस संसार में रहते हुए, इस संसार की चीजों को यूज करते हुए, हमारी बुद्धि में एकदम स्पष्ट रहे कि जो भी चीज मैंने जिस समय प्रयोग करनी है वो मेरे पास आएगी, चाहे मेरी सामर्थ्य है या मेरी सामर्थ्य नहीं है, चाहे मैं उस चीज को पसंद करता हूं चाहे मैं उस चीज को पसंद नहीं करता। बड़े बड़े गद्दों पर सोने वालों को, जो कभी भी नीचे सोना पसंद नहीं करते, उन्हें नीचे सोने में भी नींद आ जाती। कब? हाँ जी, नहीं, जब उसके पास वो मकान भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण सत्यानाश हो गया होगा, फिर सो जाएगा। वो तो जब समस्या आएगी तब की बात, आनंद भी लेते हैं जी, समस्या आएगी तब की बात, फिर आएगी तभी तो वो नीचे सोएगा, वरना तो उसके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, पैसे हैं, हो जाएगा फलाना होटल बुक करो मैं वहां सोऊंगा, क्या समझते हो मैं नीचे सोऊंगा, वो नीचे सोने की सोच ही नहीं सकता। परंतु वो तब नीचे सो सकता है जब उसके पास वो नहीं रहेगा। अब उसे राजी खुशी छोड़े चाहे उसे रो करके छोड़े, और अब बाबा राजी खुशी छोड़ने के लिए कह रहा है, जब आप राजी खुशी छोड़ देंगे, जब अपनी बुद्धि को ये समझा देंगे कि आज बाबा का आदेश है कि नीचे सो, नीचे सोने में भी उनको मजा आया। मुझे उन दादियों की बात याद आती है जिन्होंने दिल्ली में लाल कौसर क्या अपना जो शमशान भूमि के पास बिना छत वाले कमरे में रहकर, और आयुष में उपलों में आलू भून कर और हाथों से छील कर जो सोने चांदी की थालियों में खाने खाते थे, हाथ से आलू खाकर बाबा को लिखा, बाबा आज बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। उन्होंने लिखा बाबा को, तो ये भी क्यों मजा आया, क्योंकि उन्हें समझ था कि आज ये खाने को मिला है ये भी बहुत अच्छा है, वरना वो रोते बैठ करके क्यों छोड़ के आए घर, इतने नौकर थे, इतने चाकर थे, इतने गुलाम थे, इतने सेवा करने वाले थे, हमारे को कोई जरूरत नहीं थी, और यहां बिना छत के मकान में एक रात को सोता है एक जागता है, और वहां उपलों में भून करके आलू, क्योंकि पैसे नहीं है कि खाना बना सके, हिम्मत है ना। तब उन्होंने दिल से कहा, कब कहा, जब उनको ये समझ में आ गया कि आज का दिन यही मेरे लिए है और यही मेरा भाग्य है जो मुझे मिला है, और उसी में उनको आनंद मिला। ये समझ है, ये ज्ञान है, ये बैगर टू प्रिंस बनने की निशानी। जब ऐसा बनेंगे तब हम जाकर के प्रिंस बन सकते हैं। हमने रो रो करके खाया,
क्या मैं ब्रह्मा कुमार बन गया, मेरी किस्मत खराब हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। बेशक खा, अच्छा सा खा ना रहा हो, पर तू बैठ कर रो रहा हो, रो रो करके खा रहा हो, वो ब्राह्मण हुआ क्या? क्या वो प्रिंस बनेगा क्या? वंडरफुल प्लानिंग है, बड़ा वंडरफुल। आपके पास कितने भी पैसे हैं, आपके पास नहीं है, जब आप अपने आप को समझा देंगे, मुझे जो बिठाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जैसे रखेंगे, ये लिखवाया जाता है। परंतु मैं उन बहनों को भी देखता हूं कि वो भी फीलिंग में आ जाती, परंतु जो बनेगा लिखने से नहीं, खून से लिखने वाले से भी बाबा कहते नहीं, जो बनेगा ऐसा वो जाकर के सतयुग में सौकार बनेगा, प्रिंस बनेगा। कोई सौकार यहां रहता है, मेरा कहना जिसके पास है वो तो सौकार है। मेरा इतना अच्छा शरीर ले ले अपने शरीर को, हाँ क्या करेगा अच्छा शरीर, लड़ ले, अकल कर ले, कितना भी घमंड कर ले इस शरीर का, मेरा कहने वाला घमंड है। मेरे शरीर के द्वारा बाबा ने जो कराना है, जैसे कराना है, वो कहेगा, मैंने इस शरीर को भी वहां लगा देना है, मन में भी वही संकल्प लाना है जो बाबा कहेगा, और जो भी है संसार का वो किसी भी पल मेरे से चला जाए, मेरे को जरा भी फीलिंग ना आए। ये बैगर हमको अभी बनना है, बिना बैगर बने हम सतयुग के स्वर्ग के उच्च अधिकारी नहीं बन सकते। जितना बैगर बनेंगे हमें टेंशन ही नहीं है, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमने बाबा की श्रीमत पर चलना। बैगर मींस किसी भी चीज को मेरा नहीं कहना, जिसको मैं अभी मेरा कह रहा हूं अगले पल किसी दूसरे के हाथ में। पैसे के बारे में जानते हैं, मेरे पैसे कब तक है, जब तक मेरे हाथ में, पर तो मैंने किसके लिए संभाल के रखे हुए। मैं जितनी मेरे पास पैसा कमाई होती है, मेरी पेंशन आती है, मैं उस पेंशन को खा नहीं सकता। कितना खा रहा हूंगा उसमें से, सभी जानते हैं इस बात को ना, कितना खा सकते हो, बाकी किसके लिए है? पता नहीं बच्चों के लिए भी है कि नहीं है, क्योंकि यहां जब मुझे ये आता है ना बच्चों के लिए, बच्चे मेरे से पहले चले जाएंगे तो वो तो अलग बात कुछ नहीं, अलग बात कुछ सोचो, कुछ यही सोच गलत है ना, यही तो मेरे बच्चों के लिए है, तभी तो हम बेगर नहीं बन रहे। मेरा तो है ना, इसीलिए ये बात आती है, क्योंकि वो उसके लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे सामने वो एग्जांपल क्लियर सामने आता है कि पूरी फैमिली ने इतना बढ़िया मकान बनाया, मुहूर्त नहीं किया, पूरी फैमिली ओम शांति। किसके लिए मकान बनाया इतना दिल से, किसके लिए, बच्चों के लिए, किसके लिए बनाया था? हैं जी, काम काम की बात नहीं, यहां सबसे बड़ा यही है ना, यहां समझ रहे हैं जी। आप यूज करो, आप मकान बनाओ, परंतु बुद्धि में रहे, जिसने इसको यूज करना होगा वो करेगा, जिसने इसको यूज करना होगा वो करेगा। ये बुद्धि में रहेगा तो उसमें बंधे नहीं रहेंगे। मेन बात है यूज करो, बाबा ये नहीं कहता लैपटॉप यूज नहीं करो, मोबाइल यूज नहीं करो, साधनों को यूज नहीं करो, खाना नहीं खाओ, बाबा कहता है खाना खाओ, लैपटॉप यूज करो, सब कुछ करो, परंतु अगले सेकंड चला जाए तो जरा भी फीलिंग नहीं आए, जरा भी फीलिंग नहीं आए, क्योंकि मेरा होता तो क्यों जाता, जिसने उसको यूज करना है वो यूज करेगा ना। हम यूज कर चुके, अब उसकी बारी, अब उसकी बारी है, खत्म बात। टेंशन नहीं होगी ना, ये बुद्धि को समझाना है, इसी के लिए बाबा कहता है मन मना भाव करो, इसीलिए रोजाना सिर खा रहा है बाबा हमारा, इसीलिए खा रहा है ना सिर, क्या पड़ी है उसको रोजाना सिर खाने की, क्या जरूरत पड़ी है हम यहां आकर बैठ जाते हैं सुनने की। मेरा कहने की आदत पड़ी
पड़ी हुई है, इसको खत्म कर, इसी को खत्म करना है, इसी को बैठकर समझाना है। वो प्रैक्टिकल है, हमारे सामने है, हम देख रहे हैं इस बात को। अचानक से छोटी सी बात होती है और आपका मालिकाना हक उस पर खत्म हो जाता है। राव गजराज सिंह की कोठी मेरे सामने बहुत बड़ा ज्वलंत जो है ना एग्जाम्पल है। सोना चौक पे राव गजराज सिंह चोटी कोठी यानी कभी मिनिस्टर हुआ करता था, उनके बच्चे बड़े जायज अच्छी अच्छी पोस्टों पर है, परंतु तो कोई भी आजकल नहीं आता होगा, जब बुढ़े थे। हाँ जी, नहीं नहीं, एक चाय वाला उसका मालिक बना बैठा है, उसको चाबी दे गया वो, कभी तो इसकी देखभाल करता रही, चाबी उसको दी हुई है नहीं। तो अब इतनी बड़ी कोठी, सोचते हैं 500-700 गज की कोठी है, और ऐसे मार्केट के अंदर टू साइड ओपन, और ऐसे सेंटर में अनमोल हीरा है नहीं, प्रॉपर्टी में। तो अब उसके अंदर सिर्फ खंडर है वो सारा का सारा, पर तो उस खंडर में वो अपना गोदाम बना के बैठा हुआ है। इतनी बड़ी जगह में कोई उसको दे नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं कि वो ले सके, उसको किराए पर ले सकता, फ्री में यूज कर रहा है ना। तो ये समझ लेना है, इन एग्जांपल्स को बुद्धि में रखना है। कितने बड़े बड़े राजा महाराजा धरती पर आ गए, जैसे मैंने कहा कि भूकंप आ गया तो वो नीचे सोने के लिए तैयार हो जाएगा ना, बड़े अच्छी तरह से सोएगा, बहुत अच्छी तरह से नींद आएगी। हाँ, मतलब मूवी है, मतलब बातें वो दुनिया वाली हैं। अब बाबा के ज्ञान के, हाँ मैं वही ये उनसे समझने के लिए मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। बहुत अच्छी, बहुत सारे एग्जांपल पड़े हैं, पर तो हमें क्या करना है, हमें अब बाबा की श्रीमत के अनुसार समझना है कि मैं एक्टर हूँ, मैंने जितनी देर इस शरीर से बोलना है बोलूंगा, और एक सेकंड नहीं लगेगा, मेरा शब्द भी पूरा नहीं होगा, मैं इस शरीर को छोड़कर चल दूंगा। तो क्यों कह रहा हूं मैं इसको मेरा? हां जी, शंकर जी भी हमारे सामने एग्जांपल है, शंकर जी एग्जांपल है हमारे सामने। हाँ, बस कहानी वो बनाया, मतलब जो का दुनिया में भक्ति मार्ग की कहानी है कि सोने की लंका बनाई थी, पार्वती ने कहा, कहने से बना दी, बोले बनवा तो रही है पर तू इसको उपयोग नहीं कर सकेगी, और वो जब उसका मुहूर्त किया जा रहा है तो दान में दे दी। वो तो शंकर जी ने दे दी, मतलब प्रैक्टिकल कहानियां बनी हुई है, मतलब ऐसे ही दे देने के लिए हिम्मत चाहिए ना, क्योंकि शंकर को तो बेचारे को जंगल में रहना था, उसको तो श्राप मिला है कि तूने तो महलों में रहना ही नहीं है, वो कैसे महलों में रहता। ये तो कहानियां हैं गपोड़े, परंतु अब हमें सच्चाई समझ में आ रही है कि अब हमने ये सोच कर यूज करना है कि जो भी चीज मेरे हाथ में है, जिसको मैं मेरा समझ रहा हूं, वो मेरी तब तक है जब तक मेरे रोल में उसको प्रयोग कर रहा है। इतने मैं समझता हूँ, सबको अपना अपना मंथन करना है और अपने आप को समझाना है। ये वंडरफुल नियम है, ईश्वरीय नियम है, ये पूरा बैगर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ कि मेरा है। याद बैठ के तो भूल जाएंगे, तो पर हम बाहर नहीं भूलेंगे तो बाबा कहेगा मैं तुम्हें स्वर्ग की राजाई नहीं दूंगा, ठीक है के नहीं, मत भूलो। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, क्योंकि गरीब बच्चों को कैसे भूल जाते हैं, उनका है ही थोड़ा सा ना। मैं दिन में सड़क पे सोता है, जो 50 रुपए 100 रुपए जो समझो 500 रुपए के हिसाब से दिहाड़ी लेकर के आया है, हाँ वो ज्यादा अकाउंट दुनिया में खोलता है, बता रहा हूँ कि वो कर देता है जल्दी। और ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है, जो गरीब भाई बहन आते हैं ना, वो बड़े दिल से करते हैं,
अमीर नहीं कर सकता उतना दिल से, ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। हाँ छोड़ रखा है, चलो हम अब आगे चले। मुरली में मेन बात हमें समझ में आ गई है, हमारी मुरली यही हमारे लिए काफी है। इतनी बात हमने समझ ली, इस बात को हम समझा पाए, एक भी बात मुरली में से समझ में आ जाए तो हमारा मुरली पढ़ना सार्थक हो गया। सहज ही भूल जाते हैं, परंतु सौकार जो अपने को स्वर्ग का मालिक समझते हैं उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं, वो नहीं भूल सकते। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते हैं वो सच्चे योगी बन ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते, उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकते, उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकते। वंडरफुल बात। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते, अच्छी रीति जानते हैं, उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने, बाप आया है सारी दुनिया के झगड़े मिटाने। जो सियाने समझदार बच्चे हैं वो जानते हैं इस तन में बाप आए हुए हैं जिसका नाम भी है शिव बाबा, क्यों आए हैं, हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि हैं, सबको हिसाब किताब चुक कर जाना है। अमर लोक में झगड़े की बात ही नहीं, यहाँ कितना हंगामा हाहाकार लगा हुआ है, कितनी कोर्ट जज आदि हैं, मारा मारी लगी हुई है, विलायत आदि में भी देखो हाहाकार है, सारी दुनिया में खिट पिट बहुत है। इसको कहा जाता है पुरानी तमो प्रधान। पूरी दुनिया का सीन हमारे सामने एक सेकंड में घूम जाता है, कितनी खिटखिट, कितना टेंशन में है। हां जी, दुबई में बाढ़ आ गई है, रेगिस्तान में बाढ़ आ गई है। वंडरफुल बात है ना, उन्होंने कभी सोचा नहीं था, वो आर्टिफिशियल बरसात करते थे, आर्टिफिशियल बरसात करने में बाढ़ आ गई, तो वो प्रिपेयर ही नहीं थी इस मामले का फेस करने के लिए कि बाढ़ हमारे यहाँ आ ही नहीं सकती, उसके लिए उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं कराई हुई थी। और आर्टिफिशियल करने के लिए वो उन्होंने जो तरीका अपनाया वो इतनी बारिश हो गई जो मतलब समझो कि हाँ जो साल में बारिश होनी चाहिए थी वो एक घंटे में हो गई, क्या हालत होगी, मतलब वो रेगिस्तान के अंदर उनके सामने मौत आ गई एकदम, और अपने आप मौत आ गई, खुद मौत बुलाई, किसी और ने नहीं बुलाई। जो भी मतलब जो भी टेक्निक यूज की गई, टेक्निक मतलब हमें समझना है कि अगला पल कुछ भी हो सकता है, किसको मेरा मेरा कहकर बैठे हैं, किसको मेरा मेरा समझ रहे हैं। चारों तरफ क्या है, आज दुख ही दुख है, हाँ सैकड़ों मर गए, कितने मर गए, साल डूब गया तो डूब ही गया, वो जंगल ही जंगल है सारी दुनिया, कहां आग लगे पड़ी है, कहीं बाढ़ आई हुई है, कहां युद्ध के गोले बरस रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने के लिए आया, अपने सिर पर ले रहा है मुसीबत। कोई ऐसे कह देवे ना कि मैं कर रहा हूं तो उसको पकड़ ले सारी दुनिया, उसको उड़ा दे गोली से। और ये बाबा देख कितना ओपन चैलेंज कर रहा है, कब से चैलेंज कर रहा है कि मैं सारी दुनिया को मिटाने आया हूं, फिर सारे सारे उसको पकड़ लेवे। अभी बच्चों को बहुत से किसको पकड़ नहीं सकते, वंडरफुल बात है। एक बार समन भी आए बाबा के मधुबन में, समन भी भेजे और उन्होंने कहा जी इसको कहो, ब्रह्मा बाप बोले मैंने नहीं कहा ये, मैंने नहीं कहा ये, किसने कहा है, मेरे अंदर आता है उसे, वो कहता है, कहता है जब आवे तो उससे मिलवाओ हमें,
बैठ जाओ, जब आएगा तो पकड़ ले उसको, है नहीं। मतलब ब्रह्मा बाबा ने अपनी जान बचाई, फिर मैंने तो नहीं कहा, मेरे स्तन में आता है वो आके कहता है, यानी कोर्ट के समन आ गए इसी बात पर, ऐसी कोई और बात थी, ये वाली बात नहीं थी। अभी बच्चों को बहुत सियाना समझदार बनना है, क्योंकि उसको पकड़ सकते नहीं, शरीर हो तो उसको पकड़ के ले जाए, इसलिए बड़े चलाकी से इसने अपना शरीर नहीं रखा। लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे? बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सियाने समझू, जिनमें कोई खिटखिट ना हो। ये भी बच्चे समझते हैं, ये पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, तमो प्रधान विशेष वर्ल्ड है, सारी दुनिया पतित है, पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। इन सब को मिटाने, जय जयकार कराने बाप आते हैं। हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख और अशांति, इसलिए चाहते हैं विश्व में शांति हो। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सके? कोई मनुष्य विश्व में शांति नहीं कर सकेंगे। बेहद के बाप को ठिकर भीतर में लगा दिया, कण कण में, जरे जरे में कर दिया, ये भी खेल है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, अब खड़े हो जाओ, बस जी, अच्छे बैठे भी अच्छे नहीं लग रहे बाबा को, क्या करेंगे खड़े हो जाएं तो? बाबा की मदद करो, तो मदद कैसे करेंगे? तैयार होने के लिए खड़े हो जाओ, मदद करो, क्या करें? अपने आप को बदल दो, स्वयं का कल्याण करो, अपने आप को सुधारो, स्वयं का कल्याण करो, आप बदलेंगे तो जग बदल जाएगा, बाप का काम हो जाएगा। बाप से अपना राज्य भाग्य लेना है, काम नहीं है, अथा सुख है इसमें। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पदम पति भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आया है। भारत में ये लक्ष्मी नारायण का लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, भारत स्वर्ग था, स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, वंडर ऑफ वर्ल्ड, त्रेता को भी नहीं कहेंगे। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना है, बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, पहले पहले आना है। बच्चे कह चाहते हैं, चाहते भी हैं, हम स्वर्ग में आए लक्ष्मी व नारायण बने। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है, बहुत हाहाकार होनी है। अभी तो आगे और करवाएगा, इतने से भी खुश रहिए बाबा। देखो हम कह रहे हैं अच्छा है, जल्दी जल्दी हो, पर तो अंदर अंदर नहीं सोच रहे क्या होगा। यानी रक्त की नदियां बहनी है, कितना भयानक सीन खुलने वाला है भारत के अंदर, तो खास कि खून की नदियां बहनी है, इतना खून होगा चारों तरफ, लाशों के ऊपर से चलना पड़ेगा। उसके लिए अभी से अपना माइंड पक्का कर लो। बाबा बता रहा है, प्रैक्टिकल होना है, ठीक है नहीं। घी की नदियां, फिर उसके बाद घी की नदियां, फिर तुम्हारे पास साधन इतने हो जाएंगे, क्योंकि 9 अरब को कितना कर देता है? 9 लाख, 9 अरब को सीधा 9 लाख कर देता है, बिंदिया हटा देता है एकदम फटाफट, गिनती करने में देरी ना लगे, सारी की सारी बिंदिया। फिर जब प्यार मारेंगे सबको, सब मिलेंगे प्यार से, ले ले भाई, ले ले जितनी चाहिए ड्राप ले, फिर तू जितना। नदियों के बाद होती है घी की नदियां, खून की नदियों के बाद घी की नदियां, उनको कहते हैं क्षीर सागर।
यहाँ भी बड़े तालाब बनाते हैं, फिर एक दिन मुकर्रर होता है जो आकर उसमें दूध डालते हैं, उसमें फिर स्नान करते हैं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं। सतयुग को विकी भी एक महिमा है कि वहां भी दूध की नदियां हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो, इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो, सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। वहां कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, नदियां उछल नहीं खाती, कोई उपद्रव नहीं होते। यहां देखो कितने उपद्रव, वहां पक्के वैष्णव रहते हैं, विकारी वैष्णव नहीं। पक्के वैष्णव और विकारी वैष्णव में क्या अंतर होता है? वैष्णव का मतलब है, आपने वैष्णव होट पर देखे होंगे, बहुत सारे लिखा होता है, उसका मतलब शाकाहारी के साथ प्याज लहसुन भी नहीं होना चाहिए, शराब मांस आदि भी नहीं होनी चाहिए। मीन्स हाँ, तो मतलब कहने का है कि जैसे जैन होटल होता है, मतलब जैन भोजन के लिए मतलब बहुत स्ट्रिक्ट बनाया जाता है उनका, तो ऐसे ही वैष्णव भी शुरुआत में ऐसे थे, परंतु अब वो दुनिया के हिसाब से डल गए। लहसुन प्याज ये सब यूज होता है, मांस नहीं करते वो, परंतु शराब को वो अलाउ कर देते हैं वैष्णव वाले। आज सारी दुनिया में जितने भी भाई वैष्णव होटल जितने भी बने हुए हैं, सारे विकारी है ना, लिखते हैं वैष्णव होटल, वैष्णव धर्मशाला, परंतु जो धर्मशाला बनाने वाले हैं दुनिया में कोई भी तो ऐसा नहीं है जो विकारी ना हो। आज सभी वैष्णव विकारी हैं। वैष्णव कहा जाता है जिनमें विष का अणु भी ना हो, जरा भी विकार ना हो। पर तो आज इस दुनिया में कौन है जो अपने आप को वैष्णव तो कहते हैं पर तो विकार ना हो? कौन है जिसका विकार से जन्म ना हुआ हो? परंतु नहीं, विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। आज दुनिया में विकार से एक दो को क्या देते हैं? अहंकार आया तो एक दूसरे को दुख देंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, ये भी गायन है गांवड़े का छोरा। श्री कृष्ण तो गांवड़े का हो नहीं सकता, वे तो वैकुंठ का मालिक है, फिर 84 जन्म लेते हैं। ये तुम अभी जानते हो कि हमने भक्ति में कितने धक्के खाए, पैसे बर्बाद किए। बाबा पूछते हैं तुमको इतने पैसे दिए, राज्य भाग्य दिया, सब कहां गया? तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया? सारा विश्व के भिखारी बन गए हो, मांगते फिरते हो मूर्तियों से, पत्थरों से, पेड़ों से, कहां कहां। बाप तो ड्रामा को जानते हैं, नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है, ये चक्र है, जो कुछ पास्ट हुआ वे फिर रिपीट होगा। बाबा कहते हैं अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर, भविष्य के लिए जमा करो। नई दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, सौकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं। बाप है गरीब निवास, गरीब वहां सौकार बनते हैं, सौकार वहां गरीब बन जाते हैं। क्यों सौकार वहां जाकर क्यों गरीब बन जाते हैं भाई? खर्च नहीं करते, सेवा में लगाते नहीं है, है नहीं? जब यज्ञ में सेवा में स्वाहा करेंगे तब तो उसका कुछ उनको मिलेगा। अभी तो पद्मपति बहुत हैं, वे आएंगे परंतु गरीब बनेंगे। वे अपने को स्वर्ग में समझते हैं, वो कहते हम आई स्वर्ग में, अब इधर भी स्वर्ग और वहां भी स्वर्ग, दो दो स्वर्ग कैसे मिले? वे बुद्धि से निकल नहीं सकता। यहां तो बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, खाली बैगर बन जाओ, आज कल तो किलोग्राम किलोमीटर आदि क्या क्या निकाला है। जो राजा गद्दी पर बैठता है वो अपनी भाषा चलाते हैं, विलायत की नकल करते हैं, अपना अक्ल तो है नहीं, अपना अक्ल तो है नहीं। तमो प्रधान है, अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं,
बजट का 60% 70% विनाश के साधन लगान बनाने में लगाते। किसी भी देश का आप बजट उठा के देख, वहां की समस्याओं का निराकरण कर ले नहीं, विनाश की सब सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं। एरोप्लेन से बम आदि गिराते हैं, आग लगनी है, बच्चे जानते हैं, बाप आते हैं विनाश और स्थापना कराने के लिए। तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबर वाले, समझाने वाले भी सब एक जैसे नहीं, सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे बाबा ने किया, बाबा को फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने कैसे एक एक चीज से मोह खत्म किया, जो भी वहां 300-400 भाई बहन इकट्ठे हुए, कहीं फर्क रखा कि ये मेरा बच्चा नहीं है, कोई क्या कहां से आया था, कोई कहां से आया था, कोई कहां से आया था, उनके खाने पीने की व्यवस्था सबके लिए बुद्धि में रखा, ये मेरे क्यों मैं इनको खिलाऊं। उनके छोटे छोटे बच्चों को बादाम वाला दूध पिलाया, बताओ अकल थी ब्रह्मा बाबा के पास क्या? खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। और हम करके दिखाएं, हम अपने बच्चे में और दूसरे बच्चे में फर्क कितना रखते हैं, करके देखो। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, सबको एकदम गले से लगाया, जैसे बाबा ने किया। बाबा को फॉलो करना चाहिए। पुरानी दुनिया में ये पाई पैसे क्या करेंगे, आजकल कागज के नोट निकाले हैं, वहां तो सिक्के मोहरे होंगे, सोने के महल बनते हैं तो सिक्कों की वहां क्या मूल्य होगी। जैसे कि सब कुछ मुफ्त में है, सतो प्रधान धरनी है ना, अभी तो पुरानी हो गई है, ये वह है सतो प्रधान नई दुनिया, बिल्कुल नई जमीन। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो तो सुभी रस आदि पीते हो, परंतु वहां झाड़ आदि तो है नहीं। सूक्ष्म वतन में कितनी क्लियर लाइन बाबा की, वहां कोई झाड़ तो है ही नहीं, फिर क्या सुभी रस पी के आए होंगे। कहते तुम वहां जाते हो सुभी रस पी के आते हो, सुभी समझो कि मौसमी जैसा बड़ा फल होगा जिसका रस निकाला और पी के आ गए। तो अब वहां पेड़ है नहीं, झाड़ है नहीं, कहां से सुभी रस पी के आए? हाँ जी, नहीं वो बाबा कहते, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, शिवानी बहन नॉर्मली यही एक्टिविटी कराती है योग के लिए, क्या आप घर चले जाओ, दरवाजा खोलो, फ्रिज खोलो, आइसक्रीम निकालो और खाओ, मजा आ गया। बोलो इतना धीरे धीरे बोलती है, मतलब धीरे धीरे, अच्छा ऐसे ही आपको परम धाम जाना, अब चलो हम परम धाम जाते हैं। दुनिया में घुमा दिया और योग है ही नहीं, वेस्ट इज ऑफ टाइम, अपना भी और उनका भी और खुश भी सारे हो गए कि वाह कमाल कर दिया। ऐसे तुमको परम धाम जाना है, ऐसे परम धाम पहुंचा दिया, लाल रंग का प्रकाश है, ये है, किरणें आ रही हैं और चारों तरफ फैल रही है, सारे खुश हो गए, वेस्ट इज ऑफ टाइम हो गया। ये भी भक्ति मार्ग जैसा ही है, भक्ति मार्ग का ये तो मतलब हमें समझना है कि हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, परंतु वहां झाड़ आदि नहीं। बाबा क्या कह रहा है कि जैसे स्वप्न में आप जाते हैं, खाना भी खाते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, स्वप्न में आप सारे कुछ करते हो, आपको पूरा वैसा ही लग रहा होता है जैसे सचमुच हो रहा है, परंतु होता तो कुछ भी नहीं, संकल्प की दुनिया है। ठीक है, क्या ना मूल वतन में है, ना सूक्ष्म वतन में कुछ है, ना मूल वतन में कुछ है। जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहां तुमको सब कुछ मिलता है, बुद्धि से काम लो। सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे नहीं, झाड़ तो धरनी पर होते हैं ना आकाश में, बल नाम है ब्रह्म मातत्व,
ब्रह्मा तत्व के बारे में बता रहे हैं। हम ब्रह्मा तत्व के बारे में कहते आए कि छठा महातत्व होता है, आत्मा छठा महातत्व का हिस्सा है, परमात्मा भी छठा महातत्व है और ब्रह्म लोक भी छठा महातत्व है, तीनों ही ज्योतियां, आत्मा भी ज्योति। ओम शांति। आत्मा, परमात्मा और परम धाम तीनों के लिए शब्द आया है ओम, शब्द आया है ज्योति, ठीक है। तो इसलिए उसको छठा महातत्व कहते हैं। ये भक्ति मार्ग की परिभाषा है, उसको ज्ञान मार्ग में समझाने के लिए दिया जाता है। तो बाबा कहते परंतु है पोलार, आकाश क्या है पोलार, जैसे ये स्टार ठहरे हुए हैं, ये स्टार तारे जो आकाश में ठहरे हुए हैं, ये किस आधार पर ठहरे हुए हैं, इनका अपना अपना गुरुत्वाकर्षण है और गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे के खिंचाव में ये खड़े हुए, जैसे ये स्टार ठहरे हुए आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। स्टार्स देखने में बड़े आते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़े बड़ी आत्माएं होंगी। ये जो सितारे हैं ये कैसे खड़े हुए हैं आकाश के अंदर, कोई इनके चारों तरफ आधार नहीं है, कैसे लटक रहे हैं तारे? तो ये तारे गुरुत्वाकर्षण है इनका, हर एक का अपना अपना आकर्षण है, तो वो कितनी दूर तक की चीज को खींच सकता है। ये दोनों के दोनों जहां इतनी दूरी पर जाकर सेट होते हैं, जहां दोनों न्यूट्रल हो जाए, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं वहीं पर, क्योंकि थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो वो उसकी तरफ खींच जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हाँ जी, बिल्कुल 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 ऑटोमेटिक चल रहा है। हमने बनाया था, सबने सबने इस सृष्टि को कैसे बनाया, वो भी एक सृष्टि का अंश है ना। ये बुद्धि से काम लेना है, विचार सागर मंथन करना है, तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरती हैं, छोटी बिंदी हैं। ये सब बातें तुमको धारण करनी, तब किसको धारण करा सकेंगे? टीचर जरूर खुद जानते हैं, तब तो औरों को पढ़ाते हैं, नहीं तो टीचर ही काहे का। परंतु यहां टीचर्स भी नंबर वार हैं, तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो। ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा, बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है, वहां स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही जो योग युक्त, जो पहले साक्षात्कार हुए और जो पिछाड़ी के साक्षात्कार होंगे उनमें क्या अंतर होगा? योग युक्त तो आदि वाले भी थे, हैं जी। पहला जो आदि में साक्षात्कार हुए वो तो जो वो भक्ति मार्ग के हिसाब से हुए, उन्होंने देखा स्वर्ग का दृश्य देखा और उन्होंने निर्णय कर लिया कि हम पवित्र रहेंगे, बस। परंतु अब वो देखने से नहीं, अब तो तर्क की दुनिया है, अब हर एक व्यक्ति तर्क से समझना चाहता है तुम्हारे अंदर ये अवगुण क्यों है, ठीक है क्या? बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत आदि याद आते रहेंगे वो क्या देखेंगे, वो कुछ नहीं देख पाएंगे। जिनको बाबा से लगन होगी, स्वर्ग में जाने की इच्छा होगी,
सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे। जिनों को बाप दुख देख खुश होंगे उन बच्चे जाएंगे लास्ट में, जिनको देख बच्चे बाप खुश होंगे। फूलों का ही बगीचा बनता है, बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं, उनको कहेंगे अख के फूल। जो आए 10-15 साल ज्ञान भी सुना और उसके बाद छोड़कर चले गए, अख के फूल। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन लेकर आती थी। ड्रिल कराती थी, वो आज है नहीं। यह बच्चियां भी जानती हैं और बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है। यह है माया, माया से गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान। बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान करती है, करेगी। यह हार जीत का बना हुआ ड्रामा है, तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है। ये तो भारत का प्राचीन योग है, नामी ग्रामी है, जिस योग बल से तुम ये बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। खेल भी वंडरफुल है, बड़ा वंडरफुल खेल बना हुआ है। कहानी है, दो बिल्ली लड़े, मक्खन बंदर खा गया। सेकंड में विश्व की बादशाही बच्चियां साक्षात्कार करती हैं, कहती हैं श्री कृष्ण के मुख में मक्खन है। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में मक्खन नहीं, श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं। योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी मक्खन लेते हो। राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती है और कितनी लड़ाई से खत्म होते हैं। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुप होना है। इस दुनिया की कोई भी बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। उन्होंने बंदरों का एक चित्र बनाया, आजकल तो मनुष्यों का भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं मनुष्यों का? बंदर के ना मुंह। बंदर में भी पांचों विकार होते हैं। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीजें आती थी, चूड़ियां भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते रहते हैं। सतयुग में नाक कान छेद करने की जरूरत नहीं। यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट रख देती है। नाक कान काट लेना मतलब बेइज्जती हो जाना। तुम बच्चे आप स्वच्छ बनते हो, वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है।
वहां नेचुरल ब्यूटी, कोई श्रृंगार करने की जरूरत नहीं, लाल रंग लगाने की जरूरत नहीं, खून दिखाई देता है कितना लाल है। यहां तो शरीरी तमो प्रधान तत्व से बनते हैं, इसलिए बीमारियां आदि होती हैं, वहां ये बातें होती नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप पढ़ाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। इसलिए गायन है अति इंद्रिय, सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते हैं, तुम्हारे में भी खुशी रहे और सब इन बातों को स्मरण करते रहे, ऐसे बहुत ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो गायन है द्रौपदी का, वे सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। द्रौपदी ने क्यों पुकारा ये मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है तुम सब द्रौपदी, हम भाई हैं, हम द्रौपदी क्यों होंगे? तुम सब द्रौपदी हो, ऐसे नहीं कि फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है, स्त्री हमेशा स्त्री बनती है, कोई ठेका नहीं ले रखा स्त्रियों ने। हाँ जी, हम हर जन्म मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल बनते हैं। बाबा कहते ज्यादा ज्यादा दो जन्म तक, एक मुरली में मैंने पढ़ा था तीन जन्म तक आप मेल से मेल 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 रह सकते हैं, और नहीं तो तो मेन बात हमें समझनी है कि हम आत्माओं ने, बाबा ने कहा एक जन्म पुरुष बनना है, एक जन्म स्त्री बनना है, ज्यादा से ज्यादा तीन जन्म कोई मेल मेल या फीमेल फीमेल बन सकता है, क्या नहीं? हाँ, ऐसे नहीं कि फीमेल सदा फीमेल ही बनती है, दो बारी फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं। माताएं पुकारती हैं बाबा रक्षा करो, हमको दुशासन विकार के लिए हैरान करते हैं, इसको कहा जाता है वैश आल्य, स्वर्ग को कहा जाता है शिव आल्य। वैश आल्य है रावण की राज्य, शिव का शिव बाबा की स्थापना, और तुमको नॉलेज भी देते हैं। शिव बाबा आकर स्थापना करते हैं, तुमको ज्ञान भी देंगे और साथ तुमको ज्ञान भी देते हैं। बाप को नॉलेजफुल कहा जाता है, ऐसे नहीं नॉलेजफुल माना सबके दिलों को जानने वाला, इनसे फायदा क्या? बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बिगर कोई दे नहीं सकता, कोई दूसरा। हाँ जी, अपना पूर्ण करने के बाद में जाएगी ना, क्या पहले चले गए? स्थापना हो गई क्या? नहीं, स्थापना का कार्य चल रहा है। ज्ञान सागर एक ही बाप है, वहां है भक्ति की प्रारब्ध। सतयुग में तो भक्ति की प्रारब्ध होती है, जो दो द्वापर कलयुग में किया भक्ति की प्रारब्ध। पढ़ाई से ही राजधानी स्थापन होती है। प्रेसिडेंट आदि को देखो, कितने वजीर एडवाइज करने के लिए होते हैं, वजीर रखते हैं। सतयुग में वजीर रखने की जरूरत। अब बाप तुमको कितना आश्चर्य देते, बाबा कितनी अकलमंद बात बनाते हैं। तो हमने सपने में भी नहीं सोची थी ऐसी बातें बनाती।
अब तुम बच्चों को अकलमंद बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने अकलमंद थे, बेहद की बादशाही बाप से मिलती है, शिव जयंती बाप की मनाते हैं, जरूर शिव आकर भारत में विश्व का मालिक बनाकर गए हैं। लाखों वर्ष की बात नहीं है, कल की तो बात है। अच्छा ज्यादा क्या समझाऊं, पाप आत्माओं और मनुष्य आत्माओं के वास्तव में बाप कहते हैं मन मना भाव, वास्तव में ये पढ़ाई इशारे की, सारी पढ़ाई किसकी है, बाबा कहने चाह रहे हैं। ज्यादा टेढ़ी पढ़ाई नहीं है, सिंपल सा इशारा मिला, समझ में आ गया, खत्म बात। इसमें कोई लंबे चौड़े पोथे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कितनी बड़ी बड़ी क्लासों में जाते हैं, बड़े बड़े पोथे पढ़ते हैं, ये ठीक है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, बाप का पूरा पूरा मददगार बनने के लिए सियाना समझू समझदार बनना है, अंदर कोई भी खिटपिट ना हो, साफ स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धिमान बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे, पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल, पूरा बैगर बन, मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। वरदान, संगठन में रहते हुए सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भाव। कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने की बजाय न्यारे बन जाते, संगठन में मिलकर रहने की बजाय क्या हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं। डरते हैं कि कहीं फंस ना जाए, इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो ये भी कर्म संन्यास के संस्कार बिगड़ जाए। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनकर रहो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाओ, दूसरे किसी का सहारा नहीं लेना। बुद्धि को कोई आत्मा के साथ गुण वास कोई शिकायत आकर्षित ना करे, तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। आकर्षित ना करे तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। स्लोगन है, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं, बाबा जो कहे उसको करने वाले, लेफ्ट हैंड नहीं बनो, क्योंकि वहां आपको मिलेंगी जो स्लोगन में, और क्या राइट हैंड बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, और जो बाबा की श्रीमत पर नहीं, लेफ्ट कब होते हैं, जब द्वापर शुरू होता है तब हम लेफ्ट होते हैं। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।